लोग देखना है क्लास 10 के इतिहास में, क्लास 10 के इतिहास में देखना है हिंद चीन में राष्ट्रवादी आंदोलन, हिंद चीन में राष्ट्रवादी आंदोलन कहाँ देखना है, क्या देखना है, हिंद चीन में राष्ट्रवादी आंदोलन। अब ये देखना है इस आंदोलन इस पार्ट से आज हम लोग को वस्तुनिष्ठ प्रश्न के बारे में जानना है। किस प्रश्न के बारे में जानना है, वस्तुनिष्ठ प्रश्न के बारे में जानना है। लिखा गया है अग्रवाट का मंदिर का निर्माण किसने करवाया था, अग्रवाट मंदिर का निर्माण किसने करवाया था। ऐसा बचा के तो नहीं हल्ला ना, सूर्यवंश द्वितीय ने, सूर्य वर्मन द्वितीय। दूसरा नंबर प्रश्न है, दूसरा नंबर प्रश्न है अग्रवाट का मंदिर कहाँ स्थित है, अग्रवाट का मंदिर कहाँ स्थित है, कौन बताएगा, बताओ तो उत्तर हो जाएगा कहाँ, कंबोडिया, कंबोडिया। तीन नंबर प्रश्न क्या है, हिंद चीन में कौन देश सम्मिलित नहीं था, कौन देश सम्मिलित नहीं था, उत्तर हो जाएगा चीन। चौथा प्रश्न क्या है, थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, बहुत अच्छा है। हिंद चीन क्षेत्र के अंतर्गत कौन कौन देश आते हैं, उत्तर हो जाएगा लाओस, कंबोडिया, उसके बाद हो जाएगा वियतनाम। हिंद चीन क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले या अंतर्गत कौन कौन से देश आते हैं, लाओस, कंबोडिया और क्या हो जाएगा वियतनाम, लाओस, कंबोडिया और क्या हो जाएगा वियतनाम।
उसको खोल के उसमें लगाना है या उसका पीछे से डंट नहीं है। अब यहाँ पे है पांचवा प्रश्न, द स्त्री आठ द वियतना किसने लिखा था? उत्तर हो जाएगा हाँ बोई चाओ। छ नंबर प्रश्न है, मैं फ्रांसीसियों को क्या कहा जाता है? क्या कहा जाता है ये कोलोन हुआ हाओ आंदोलन किस प्राकृतिक का है? उत्तर हो जाएगा धार्मिक क्रांतिकारी। आठवां प्रश्न हो जाएगा, वियतनाम का एकीकरण कब हुआ था? कब हुआ पीयूष? 1707। अंग्रेज 1775 ईस्वी में। हो गया ये सब चीज जो लिखा जा रहा है आप लोग एकदम समझ में आ जा रहा है। अच्छा ये पहले बताइए कि इसमें ज्यादा दिमाग लगाना है, इसमें ज्यादा दिमाग लगाना है नहीं लगाना? उसके बावजूद भी हम लोग को क्या बोला जाता है, हम लोग इस पर नहीं करते हैं।
नौ नंबर प्रश्न है, वियतनाम में टोकिन फ्री स्कूल की स्थापना कब हुआ था? कोई बताएगा कब हुआ था? आप नहीं पढ़ रहे हैं। 1907 ईस्वी में। 10 नंबर प्रश्न है, याद रखिएगा। माइली हत्याकांड का जिम्मेवार कौन देश था? उत्तर हो जाएगा यहाँ पे अमेरिका। 11 नंबर प्रश्न है, माइली हत्याकांड कहाँ हुआ था? उत्तर हो जाएगा दक्षिण वियतनाम। 1947 वियतनाम राष्ट्रीयता। 1947 के जनक कौन था? उत्तर हो जाएगा हो ची हो ची मिन्स होता है सर। 6 से रिलेटेड एग्जाम पूरा है, अगल बगल नहीं है। क्या दिया? बताया गया है यहाँ पे 13 नंबर प्रश्न, वियतनाम कब स्वतंत्र हुआ था? किसी को पता है वियतनाम कब स्वतंत्र हुआ था? हुआ था 2 सितंबर 1945 को। 2 सितंबर 1945 ईस्वी को। 14 नंबर प्रश्न है, लाल खमेर सेना का
संगठन किसने किया था? उत्तर हो जाएगा सिन्हानुक। किसने किया था? सिन्हानुक। हानुक हल्ला मत करो। 15 नंबर प्रश्न क्या है थोड़ा सा ध्यान रखो। जिनमा समझौता के बाद किस देश को दो भागों में बांटा गया? उत्तर हो जाएगा कौन था? वियतनाम। सोलह नंबर प्रश्न क्या है? पहला चलिए देखो प्रीति, पहला टेली, पहला टेलीविजन युद्ध किसे कहा गया था? पहला टेलीविजन युद्ध किसे कहा गया था? उत्तर हो जाएगा आपको वियतनामी युद्ध को कहा गया था। कहा गया था पहला टेलीविजन युद्ध किसे कहा गया था? तो जो वियतनामी युद्ध था ना उसी को कब लगा था? वियतनामी युद्ध को कब लगा था? टेलीविजन युद्ध बोला गया था। हो गया नोट हो गया। यहाँ पे 17 नंबर है हिंद चीन पहुँचने वाला प्रथम व्यापारी कौन था? उत्तर हो जाएगा पुर्तगाल। अठारह नंबर प्रश्न क्या है? इंडो चाइना किस देश का उपनिवेश
था। उत्तर हो जाएगा फ्रांस का। 19 नंबर प्रश्न है, हो ची मिन्ह का शाब्दिक क्या होता है? उत्तर हो जाएगा पथ प्रदर्शक। बीस नंबर प्रश्न है, हुआ हाउ आंदोलन का नेता कौन था? उत्तर हो जाएगा, नाम बहुत अच्छा है याद रखिएगा, हुई पुसो हुई पुसो। आज के लिए बस इस चैप्टर से मात्र 20 एडजेक्टिव। आप ये 20 एडजेक्टिव कल कंप्लीट करके हमको सुना, ठीक है? आज के लिए इतना, धन्यवाद।